तो आई स्टडीड मेडिसिन. तो मेडिसिन में जब पढ़ते हैं तो हर चीज़ बुलेट पॉइंट में होती है, हर चीज़ टेबल में होता है, फ्लो चार्ट्स होता है. तो साइंस में ये तो जो भी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंजीनियरिंग, ये सब फील्ड में लैंग्वेज इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे फ्रेमवर्क्स आर इम्पॉर्टेंट, टेबल्स आर इम्पॉर्टेंट, फ्लो चार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट. तो जब मैं ये कर रहा था तब उस समय मेरी हॉबी थी रामायण महाभारत पुराण पढ़ने की, आख्यानों को पढ़ने की. तो और इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी तो मैंने कहा कि अरे इसको हम क्यों फ्रेमवर्क में नहीं डालते हैं, टेबल्स में नहीं डालते हैं, फ्लो चार्ट्स में नहीं डालते हैं. तो लोग मैंने देखा कि नहीं, ऐसे एक माइंडसेट ब्लॉक था कि नहीं, ये जो पौराणिक कथाएं इनको आप बुलेट पॉइंट से नहीं लिख सकते. ऐसे किसने कहा ऐसे? तो अभी नई दुनिया है. पहले हम सूत्रों में लिखते थे, फिर श्लोक में लिखे थे, अलग अलग प्रकार के छंद होते थे. पहले मौखिक परंपरा थी, उसके बाद लिखित परंपरा आ गई. जैसे लिखना शुरू किया तो नॉवल फॉर्म आने लगा. जब 19th सेंचुरी में नॉवल लिखने लगे तो इसलिए इरावती कर्वे ने नॉवल फॉर्म में महाभारत रामायण लिखी थी. तो जैसे भैरप्पा ने लिखा है पर्व पे, तो ये सब जो नए नए स्टाइल आते हैं. तो मैंने कहा कि बुलेट पॉइंट्स के साथ मिथोलॉजी क्यों नहीं एक्सप्लेन की जा सकती है. तो इसलिए और हमारे जो यंत्र हैं, जितने जो तांत्रिक यंत्र हैं, वो तो फ्रेमवर्क्स ही हैं. यू नो, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, जो यंत्र होते हैं अलग अलग प्रकार. तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ही लिखूंगा. तो इसलिए मैंने कहा कि मिथोलॉजी जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं टेबल्स की बहुत यूज़ करता हूँ. इनफैक्ट जब मैंने जय किताब लिखी थी तो पहले तो मेरी एक एक्सेल शीट होती थी जहाँ पे मैं डिटेल लिखा हुआ. अगर मैं माई गीता लिखा था तो उस समय भी एक मेरा एक्सेल शीट होता था एकदम डिटेल में. 700 रोज होते थे, हर रो में क्या टॉपिक होगा, उसका मैंने पिवट टेबल बनाया था. तो दिस आई लव ऑल दीज टेक्नोलॉजीज. और उसको यूज़ करके क्यों नहीं यूज़ करें, किसने कहा नहीं यूज़ कर सकते हैं? और उसी से क्या होता है, ज्ञान क्लैरिटी आ जाती है कि आपको बहुत क्लियर होते हैं कि शिव और विष्णु में डिफरेंस क्या है. टेबल बनाओ, या तीन चीज़ें होती हैं जो स्वर्ग लोक में मिलता है, 3 बुलेट पॉइंट्स. तो मतलब चिंतामणि होगा और कामधेनु होगी, कल्पतरु होगा, और इसमें सिमिलैरिटी क्या है. सडनली यू सी द प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, तीनों को कवर किया गया है. आर्टिफैक्ट्स होते हैं जैसे, सो यू स्टार्ट क्लासिफाइंग, आपका दिमाग खुलता है. वैसे नहीं तो दंत कथाओं की जो कहानियाँ हैं वो एंटरटेनमेंट की जैसे बह जाती है एंड नो बडी क्वाइट कैचेज द मैजिक ऑफ इट. और जब आप फ्रेमवर्क में डालते हो तो आपको उसका समझ में आता है कि इसका तत्व ज्ञान क्या है, वॉट इज द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट. नहीं तो इट जस्ट बिकम्स लाइक टाइम पास कॉन्वर्सेशन विच आर हैपनिंग.